ये तस्वीर 21 अगस्त की मुंबई के मुलंड इलाके के नवघर थाने में बीजेपी सांसद गिरीश सुमैया और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस हो रही है। पुलिस अधिकारी साफ कह रहा है कि आपके समर्थक ने मुझे धक्का दिया और सुमैया कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखने से नहीं डरता हूँ। मानस तुम जैसे बोले ऐसे नहीं है फोन अब पूरी खबर समझिए। दरअसल मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किरीट सोमैया, उनके निजी सहायक परीक्षित दुमे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने 21 अगस्त को परीक्षित दुमे को थाने में बुलाया था। निजी सहायक परीक्षित दुमे को थाने बुलाना बीजेपी सांसद किरीट सोमैया को नागवार गुजरा और वो तिलमिलाते हुए अपने निजी सहायक को बचाने के लिए खुद पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक थाने पहुंचकर किरीट सोमैया ने ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर सतपाल मुंडे को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के 4 दिन बाद आज किरीट सोमैया पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने के आरोप में गैर जमानती धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। सोमैया पर IPC की धारा 332, 353 और 506 लगाई गई है।